और भी क्या हाल चाल है सभी लोग, सभी लोग का स्वागत है भैया आज की नई एंड फ्रेश वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले आपसे गुड मॉर्निंग, कैसे हो यार आप सभी लोग। आई होप कि गाइज़र आप सभी लोग ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो गए एंड गाइज़र आगे बहुत ज़्यादा रहने वाले हो। तो गाइज़र आज की इस वीडियो में तुम सबको बताने वाला हूँ भैया अपने यहाँ पे जो कोबरा बंडल है ना गाइज़र, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मस्त एंड फ्रेश अपडेट निकल के आया। और गाइज़र वो काफ़ी सारे सर्वर पर रिटर्न आ चुका है। तो भैया अपने सर्वर पर कब रिटर्न आएगा एंड गाइज़र कौन से रिटर्न आएगा एंड उसके अंदर कितने डायमंड वगैरह लगेंगे ना सब कुछ आपको बताऊंगा एंड उसके रिवॉर्ड बताऊंगा जो कि रिवॉर्ड अपडेट हो चुके हैं तो वो मैं सब बताऊंगा। तो बस गाइस वीडियो को लास्ट तक जरूर से वॉच कर लेना। एक छोटा सा लाइक है मैं 40 देखो सबको डेली ही ऐसे अपडेट इससे मिलती रहती है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना। और भैया अगर आप नए भी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना तो देखो अपन को 20 का रीच करने हैं तो भैया बड़ी मेहरबानी होगी जो नीचे आपको रेड वाला बटन दिख रहा है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब से कर देना क्योंकि सब्सक्राइब करना एकदम फ्री होता है एंड 20 का रीच करने में काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। बस मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब से कर देना, वीडियो लाइक से कर देना एंड कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज कमेंट से पूछना। हम लोग करते वीडियो को स्टार्ट। तरह गाइस आप लोग अपने सब्सक्राइब वाले कुछ कमेंट्स पकड़ यहां पे पढ़ लेते जो कि काफी ज्यादा बहुत सारे कमेंट्स हो चुके हैं। तो पहले भाई हमें कमेंट करके बोलते हैं कि भाई अपने यहाँ पे ईवो बंडल कब आएगा और मेरा कमेंट है ना वो स्क्रीन पे जरूर से दिखा दे। ईवो बंडल से रेटे हमारे भाई है ना जो हमारे कोबरा बंडल की बात कर रहे हैं। तो सर इस वीडियो के एंड में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा तो बस आप लोग एंड तक जरूर से वॉच कर ले। इसके एक भाई हमारे बहुत लंबा कमेंट करते हैं बट मैंने इसको पूरा पढ़ा भाई, टेंशन मत लो। आप लोग जितना लंबा जितना छोटा कमेंट करते हो ना भाई मैं सब रीड करता हूँ, आप लोग टेंशन मत लो, आप लोग बस कमेंट कर देखो। अगर आपको कोई भी छोटा सा भी कंफ्यूजन तो बस कमेंट कर दीजिए। भाई हमारे कमेंट के बोलते हैं कि भाई अपने यहाँ पे जो ईवो M1040 है ना वो अपन को कब तक रिटर्न देखने मिलने वाले एंड कौन से इवेंट में देखने को मिलने वाले। देखो भाई मैं बाकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपसे को इससे रिलेटेड ना कल मॉर्निंग में 7 बजे वीडियो अपलोड कर दूंगा बट फिर भी भाई ने पूछा है तो मेरा बताने का फर्ज है। तो मैं आपसे को बता दूं कि अपनी जो इवेंट M1040 है भाई पॉसिबल है कि अपन को वापस एक बार हमारे मार्च मंथ के अंदर वापस से भैया रिंग इवेंट के अंदर रिटर्न देखने को मिलने वाले। अभी तक तो भैया हमारी यही लीक्स है गाइस, मुझे जैसे इसके अलावा और भी अपडेट मिलती है बाकी मैं कल की वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। तो बस कल की वीडियो जो से वॉच कर लेना भाई, जो जो ईवो M1040 से मतलब जो भी कंफ्यूजन होगा वो सारे वो कल की वीडियो वॉच करके आपसे भी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। सर यहाँ पे कमेंट के बोलते हैं कि भाई अपने यहाँ पे जर्सी रॉयल है ना वो अपन को कब देखने को मिलेगी। देखो सर जी जर्सी जो रॉयल है ना भाई आपको यहाँ पे जून या फिर जुलाई मंथ के अंदर उसका पूरा एक रॉयल देखने को मिलेगा जिसका शॉर्ट्स के साथ साथ हमारी जर्सी भी देखने को मिलेगी। और भैया अगर आप 200 का ही स्पिन कर दो ना तो आपको कन्फर्म है कि एक से दो जर्सी या फिर शॉर्ट्स वगैरह तो देखने को मिल जाएगा। सर यहाँ पे कमेंट के बोलते कि भाई कोबरा इन्वेंशन का फुल रिव्यू करा दो। देखो सर जी कोबरा इन्वेंशन में आपसे यहाँ पे जितना हो सकता है ना उतना मैं इस वीडियो के एंड में रिव्यू करा दूंगा। बाकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए ना मैं भैया के शॉर्ट्स वीडियो बना के आप सिर्फ और सिर्फ आपके लिए भाई अपलोड कर दूंगा और हो सका तो मैं आपको टैग या फिर मेंशन भी कर दूंगा। सर यहाँ पे कमेंट के बोलते कि भाई अपना रगनारॉक जो इवेंट है वो कब आएगा, वो भी 43 अपडेट भी आ गया। देखो सर जैसे मैं आपको पहले भी बताया कि रगनारॉक जो भाई इवेंट है वो हमारे कोरोना की थीम पे बेस किया गया था तो आपसे कोई हमारे ना मार्च मंथ तक देखने मिल जाएगा जो कि होली स्पेशल होने वाला है। इसके ना भाई काफी ज्यादा हाई लीक्स निकल के आ रहा है कि आपको हमारा जो होली मंथ होली जो इवेंट आएगा ना उसके अंदर आपको रगनारॉक जो इवेंट है वो देखने को मिल जाएगा। तो अगला कमेंट हमारे एक भाई करते हैं और ये भाई बोलते कि भाई अपना यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉप ऑफ इवेंट होने वाला है भाई कौन सा होने वाला है। अपने यहाँ पे जो चल रहा है फिलहाल हाल फिलहाल चाओस इवेंट, ठीक है तो कन्फर्म है कि आपको चाओस इवेंट से रिलेटिव आपको नेक्स्ट टॉप इवेंट देखने मिलने वाला आपका। इसके अंदर कौन सा रिवॉर्ड है फिलहाल ये तो कन्फर्म नहीं है बट आपको कन्फर्म है कि चाओस इवेंट से रिलेटिव आपको नेक्स्ट टॉप इवेंट देखने मिलेगा। हो सकता है पैन की स्किन ग्लोबल की स्किन या फिर कोई अदर स्किन वगैरह आ जाए बट चाओस इवेंट के रिलेटिव हमारा कोई नेक्स्ट टॉप इवेंट आने वाला इतना तो कन्फर्म हो चुका है। जैसे इसके रिवॉर्ड भी कन्फर्म होते हैं मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूं। नेक्स्ट यहाँ पे कमेंट पे बोलते कि भैया मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर से नाम लेना है। तो केजी भाई कैसे हो यार आप, आई हो क्या आप अच्छे हो गए आगे एकदम चंगे मंगे हो गए और भैया गेम प्ले कर रहे हो गए तो भैया अच्छे से मारना भुया करना रैंक पुश करना। और सर अगर आपको ऐसा ही कोई कन्फ्यूजन हो अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो या फिर कोई कमेंट में पूछवाना चाहते हो तो भाई बस कमेंट कर जरूर से बोल। भाई एक भाई हमारे कमेंट पे बोलते हैं कि आई हेट यू वाला इमोट है भाई अपन सबको कब तक अपने गेम के अंदर देखने को मिल जाएगा। देखो सर जी आई हेट यू वाला इमोट नहीं आई लव यू वाला इमोट, अरे भाई मतलब मैं बोल नहीं रहा हूँ मैं बता रहा हूँ कि भाई ये वाला इमोट है, रोज इमोट है, हार्ट इमोट है, ये सारे जो इमोट्स है ना ये हमारे वैलेंटाइन डे स्पेशल रॉयल में आप सभी को वैलेंटाइन डे के दिन ही देखने को मिलने वाले हैं। मतलब दिन में क्या आएंगे भाई मॉर्निंग में 4 बजे आएंगे। और डायमंड की तो बात मत करो भाई, डायमंड तो आपके अच्छे खासे लगने वाले हैं बट आपको सारी जो है लेजेंडरी एंड फेवरेट इमोट देखने को मिल जाएगी। ये तो थे हमारे कुछ कमेंट्स वगैरह। तो अगर आपका इनसे कोई भी कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप लोग कमेंट में मुझसे जरूर से पूछना, नेक्स्ट में आपका जरूर से रिप्लाई मिले। आप लोग यहाँ पे हमारा जो न्यू बंडल आने वाला ना हमारा चाओस इवेंट का मेन बंडल तो उसका आप लोग यहाँ पे रिव्यू देख पा रहे हो। हमारे जो यहाँ पे जो लॉबी है उसके अंदर भी देखो बंडल कितना ज्यादा ओपी लग रहा है और लॉबी से एकदम मैचिंग वाला ही बंडल बना है। और सबसे अच्छी बात इसमें ये भाई कि ये जो कलर सेकंड मतलब पर सेकंड में ही कलर चेंज करना तो ये मुझे काफी अच्छा एनिमेशन लगा है। तो ये आपको भैया कुछ ही दिनों के अंदर हमारे रिंग इवेंट का देखने को मिलेगा। उसकी पॉसिबल है कि भाई आपको हमारे 30 जनवरी तक अपने गेम के अंदर मॉर्निंग में 4 बजे रिंग इवेंट के अंदर देखने को मिल जाएगा। एंड भाई सही बता रहे हो इसके अंदर पे बहुत गंदे डायमंड लगने वाले हैं। अगर तो अगर आपके पास 2000 से लेकर 3000 के ऊपर ही डायमंड है ना या फिर इससे कम डायमंड तो आपको नहीं मिलेगा बट अगर इससे ऊपर डायमंड है तो ही इसके अंदर स्पिन करना। बाकी भैया जैसे इवेंट आएगा मैं पूरी वीडियो बना दूंगा तो आपको पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मतलब पहले भैया पता लग जाएगा कि कितने डायमंड हमारा खाने वाला। इसके बाद अभी हमारे चाओस इवेंट की मेन ग्लोबल होने वाले हैं वो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे भी कितनी ज्यादा
खतरनाक इसकी जो मतलब की एनिमेशन वगैरह लुकिंग वगैरह इन्होंने दी है तो काफी अच्छी लग रही है। यहाँ पे देखो मैं ट्रेनिंग मोड में इसको एकदम अच्छे से यूज कर दिखा रहा हूँ। देखो भाई कितने ओपी ग्लोबल स्किन है, तो आपको गाइस हमारी बिल्कुल सेम ही ग्लोबल स्किन देखने को मिलने वाली। तो देखो मैं झूठ नहीं बोला भाई, मुझे काफी ज्यादा पसंद है और गाइस मैं सोच रहा हूँ कि इसको क्यों ना ले लिया, क्योंकि मेरे पास लेजेंडरी ग्लोबल स्किन तो नहीं है बट नॉर्मल ग्लोबल स्किन काफी सारी है। तो भाई अगर आपके पास कोई सी लेजेंडरी स्किल हो या आपके कितनी ग्लोबल्स है वो मुझे अकाउंट से बताना भाई। मेरे पास टोटल यहाँ पे 11 ग्लोबल स्किन है, तो आपके पास कितनी है प्लीज अकाउंट से बता। 28 जनवरी की मॉर्निंग में 4 बजे की न्यू रॉयल देखने मिल जाएगा जिसका नाम होने वाला चाओस रॉयल। अब इसके अंदर क्या होने वाला मैं आपसे बताता हूँ। यहाँ पे देखो भैया हमारे चाओस रॉयल के ना इसके अंदर आपको ये वाली मोड देखने मिलने वाली है। भैया पॉसिबल है कि ग्लोबल की स्किन भी इसके अंदर ही देखने को मिलेगी, ऐसी पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है। बट इतना कन्फर्म है कि आपको 28 जनवरी को मॉर्निंग में 4 बजे हमारा ये वाला जो रॉयल है वो देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको ये वाली मोड के साथ हमारे ये वाले टोकन देखने को मिलेंगे और इसके अंदर आपको पैन की स्किन वगैरह भी देखने को मिलने वाली है, जैसे कि ग्लोबल स्किन में आपको इसी वाले इवेंट के अंदर हमारे यहाँ पे कन्फर्म है कि ग्लोबल स्किन आ जाएगी। और हो सकता है मैंने भैया पहले आपको रिंग इवेंट कहा बट इस वाले इवेंट में आएगी, कन्फर्म हो गया ठीक है। तो आपको यहाँ पे देख पा रहे हो भाई इस पर रॉयल आने वाला है, उसके अंदर ना आपको यहाँ पे जो ग्लोबल स्किन है काफ़ी अच्छी यहाँ पे लुकिंग दी गई है। तो ये जो ग्लोबल स्किन है के साथ हमारे यहाँ पे एक खंजर नहीं बल्ले की स्किन है, मतलब बैट की स्किन है, तो आपको यही देखने को मिलने वाली है ठीक है। और इसके बाद ना दोस्तों आपको ये हमारे मॉर्निंग में 4 बजेगा और अगर डायमंड की बात ज़्यादा मेरा अंदाजा नहीं आपके 2500 डायमंड तो आपके आराम से खा जाएगा। जी हाँ दोस्तों 2500 डायमंड आपके आराम से लग जाएंगे, चाहे वो ये वो डायरेक्ट ले इनडायरेक्टली मतलब टोकन एक्सचेंज में ले लें या फिर कैसे हमारे ऐसे ले, बट आपके 2500 डायमंड के आसपास तो आराम से लग जाएंगे। आप कैसे उन्होंने बात करते कि अपने कोबरा मंडल कब तक रिटर्न आएगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं कर रखा है तो एक छोटा सा लाइक मैं चले इस लेकिन तो प्लीज़ लाइक जैसे कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जैसे कर देना, जिससे आपको डेली ही ऐसी नोटिफिकेशन मिल रहा है ना। ये हमारा न्यू जो रिंग इवेंट देखने को मिल रहा है ना, तो भाई ये कन्फर्म है कि हमारे यही बाल बिल्कुल सेम ऐसा ही रिंग इवेंट अपने इंडिया सर पे आने वाला है, क्योंकि कैसे ऐसा ही बिल्कुल सेम रिंग इवेंट हमारे सिंगापुर सर पे आया। हमारे सिंगापुर सर पे आता ना वही कैसे हमारे इंडिया सर पे आता है। हमारे यहाँ पे जो कोबरा मंडल के साथ कोबरा ग्लोबल भी देखने को मिलने वाले, काफी अच्छी ग्लोबल की स्किन है, तो भाई आपके पास है फिर नहीं वो मुझे कमेंट से बता देना। और इसी के साथ कैसे हमारे यहाँ पर ना बाइक की स्कीम देखने को मिलने वाली, साथ में कैसे हमारी कटाना की स्कीम देखने को मिलने, काफी अच्छा रिंग इवेंट होने वाला। और इसकी एक्सचेंज टोकन की अगर प्राइस की बात करें तो आपको 400 टोकन कोबरा बंड को रिडीम करने के लिए चाहिए और 400 टोकन कैसे हमारे 4000 से लेकर 4500 डायमंड में निकल पाए, तो बिल्कुल सेम ऐसा इवेंट आने वाला है। तो कैसे फाइनली बात करें कि भाई अपनों कब तक देखने को मिल जाएगा, देखो सर ये अपन सबको ना मेरे भाई हमारा जो फरवरी मंथ आने वाला है उसके लास्ट वीक के अंदर देखने को मिलने वाले, क्योंकि अपने इंडस्ट्री पे सारे जो मतलब कि इंडस्ट्री के अलावा जो बाहर के जितने भी सर्वे ना उन सब पे रिटर्न आ चुका है फाइनली। कैसे हमारा जो सिंगापुर सर्वर है जो कि इंडिया सर्वर का ही सर्वर है तो उस पर फाइनल रिटर्न आ चुका है, तो अपने इंडिया सर्वे बहुत जल्द देखने मिलने वाला है। इसकी पॉसिबिलिटी का इसकी अपन सबको ना यहाँ पर ये जो फरवरी मंथ आएगा उसके लास्ट वीक में अपन को देखने मिल दोस्तों है, मुझे मेरी लीक से भैया पूरा भरोसा है। तो गाइस लगभग आपको यहाँ पे फरवरी मंथ के लास्ट में ना आपको यहाँ पे हमारा जो कोबरा मंडल है वो फाइनल देखने को मिल जाएगा। तो अगर अभी भी आपका इससे कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप लोग बस मुझे कमेंट कर उसे पूछना। और भी अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर रखा है तो छोटा सा लाइक मैं 40 लाइक तो भैया प्लीज़ यार लाइक जो से कर देना। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर देखो भैया जो नीचे आपको रेड कलर वाला बटन दिख रहा है तो प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब जो से कर देना, आपको डेली ही ऐसे कंटेंट इसलिए मिलती रहती है, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जो से कर देना, वीडियो लाइक जो से कर देना एंड कोई भी कन्फ्यूजन रहे तो प्लीज़ अकाउंट से पूछना। तो मिलते वीडियो के साथ, जय हिंद जय भारत जय श्री राम।